सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सचिन डेली टेक। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि व्हाट्सएप का ऑनलाइन ऑप्शन आप कैसे ऑफ कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप पर कब ऑनलाइन आए और कितनी देर तक ऑनलाइन रहे और कब ऑफलाइन हो गए ये किसी को भी पता ना चले, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा वॉच करें ताकि आप सही तरीके से इस सेटिंग को ऑफ कर सकें। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ऐसी डेली अमेजिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस, व्हाट्सएप ऑनलाइन ऑप्शन हाइड करने के लिए सबसे पहले हमें व्हाट्सएप ऐप को ओपन कर लेना है। देन इसे ओपन करने के बाद हमें ऊपर राइट कॉर्नर में थ्री डॉट्स दिख रहे होंगे, हमें इस पर क्लिक कर लेना है। देन हमें अब यहाँ से सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। गाइस, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देन अब आपको यहाँ से प्राइवेसी पर क्लिक कर लेना है। गाइस, प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पर सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, लास्ट सीन एंड ऑनलाइन, हमें इस पर क्लिक कर लेना है। गाइस, इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो गाइस, अब आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, फर्स्ट हु कैन सी माई लास्ट सीन एंड सेकेंड हु कैन सी वेन आई एम ऑनलाइन। तो गाइस, अब आपको लास्ट सीन में नोबडी को सिलेक्ट कर लेना है। गाइस, आप जैसे इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपका लास्ट सीन कोई भी नहीं देख पाएगा, मतलब कि आप कितनी देर तक ऑनलाइन रहे और कब आप यहाँ से ऑफलाइन हो गए, तो वो वाला लास्ट टाइम कोई भी नहीं देख पाएगा। तो गाइस, इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे से सिलेक्ट करना है हु कैन सी व्हेन आई एम ऑनलाइन में सेम एज लास्ट सीन। तो गाइस, आप जैसे सेम एज लास्ट सीन करेंगे तो आपका ऑनलाइन वाला ऑप्शन यहाँ से ऑफ हो जाएगा। तो गाइस, आप जैसे इसे ऑफ करेंगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप कितनी देर तक ऑनलाइन रहे और कब ऑफलाइन हो गए। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।